मॉर्निंग एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर सेकंड। ठीक है, हमने हमें पता है कि क्लासिकल थ्योरी ने क्या बताया था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी हम पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर कर सकते हैं, जबकि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ने ये बताया है कि जो चेंज इन पोजिशन है और चेंज इन मोमेंटम है उसको हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। जैसे इसने एक फॉर्मूला दिया था डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच पोल में 4y। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या है यहाँ पर, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। ठीक है, तो डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। एक्स जो है तुम्हारा पोजिशन को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट एक्स लिया है इसलिए पोजिशन को हमने एक्स डायरेक्शन में लिया है। वैसे ही तुम्हारा जो डेल्टा पी है दैट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम। ठीक है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है पी इज इक्वल टू एम ही। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये बताया है कि अगर तुम पोजीशन को एक साथ मेजर करते हो, जैसे डेल्टा एक्स तुम्हारा क्या है, अनसर्टेनिटी है, डेल्टा एक्स क्या तुम्हारा अनसर्टेनिटी है, अगर डेल्टा एक्स को हम जीरो रख देते हैं, अनसर्टेनिटी को समझो, अनसर्टेनिटी मीन्स हमें पता ही नहीं है कि वो क्या होगा, कम है ज्यादा है कितनी है फिक्स नहीं है वो। ठीक है, उसको बोलते हैं अनसर्टेन, वी आर नॉट श्योर अबाउट योर पोजिशन। ठीक है, अगर डेल्टा एक्स तुम्हारी जीरो होती है, डेल्टा एक्स अगर तुम्हारी जीरो दैट मीन्स अनसर्टेनिटी जीरो है, दैट मीन्स पोजिशन जो है तुम्हारी वो फिक्स हो गई, मतलब पोजिशन का हमें पता चल गया, सर्टेन हो गई पोजिशन। अगर अनसर्टेनिटी जीरो होगी तो सर्टेनिटी 100% हो जाएगी। तो अगर तुम अनसर्टेनिटी इन पोजिशन को फाइंड आउट कर लेते हो, बट यू कांट फाइंड आउट अनसर्टेनिटी इन पी, क्योंकि इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डेल्टा एक्स अगर यहाँ से तुम निकालते हो इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4y, डेल्टा के यहाँ चला जाएगा तुम्हारे नीचे। अगर इस फॉर्मूले से तुम डेल्टा एक्स निकालते हो तो डेल्टा एक्स यहाँ रह जाएगा और एच अपॉन में 4y डेल्टा पी हो जाएगा। दैट मीन्स अगर तुम इसको फाइंड आउट कर लेते हो तो इसको तुम निकाल नहीं सकते, अगर ये तुम्हारी जीरो हो जाती है तो ये तुम्हारी इनफाइनाइट हो जाएगी। दैट मीन्स ये है कि अगर तुम डेल्टा एक्स को मेजर कर लेते हो तो डेल्टा पी तुम्हारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो एक को भी तुम मेजर कर सकते हो, अगर ये जीरो है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी, ये इनफाइनाइट है तो ये जीरो हो जाएगी। दैट मीन्स एक टाइम पे तुम दोनों को मेजर नहीं कर सकते हो, यही बताया है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ने। दूसरी बात, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ने एक्सप्लेन किया है ये सारा और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम मॉलिक्यूल, तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पे ही लगेगी। क्यों? क्योंकि जैसे जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता है उनकी, जैसे कोई भी लार्ज बॉडी है, चौक एक लार्ज बॉडी इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, अगर इसके ऊपर तुम लाइट डालते हो तो इसकी पोजीशन फिक्स रहेगी, इसका मोमेंटम भी फिक्स रहेगा, ये दोनों चीज तुम इसकी मेजर कर सकते हो। तो इसलिए क्लासिकल थ्योरी को बोला जाता है कि वो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन जहां पर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स की बात होती है वहां पे वो फेल हो जाती है, वहां पे हम यूज करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को। ठीक है, इसका हम छोटा सा एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं कि पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ हम मेजर क्यों नहीं कर सकते, वो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पे। देखो, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है वो यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करनी है कैसे यहाँ पर है। ठीक है, हमने इसको ऊपर क्या लगा दिया, एक लाइट माइक्रोस्कोप हमने इसको लगा दिया, सिंपल सी बात है। अब इलेक्ट्रॉन को देखना बहुत ही ज्यादा स्मॉल पार्टिकल है, इसके अगर तुमने पोजीशन को मेजर करना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ेगा, लाइट देखनी पड़ेगी, लाइट डालनी पड़ेगी उसको देखने के लिए। तो तुमने यहाँ पे क्या किया, माइक्रोस्कोप को यहाँ पे यूज किया है, तो ये तुम्हारे पास क्या है, माइक्रोस्कोप यूज कर दिया तुमने, लाइट माइक्रोस्कोप, इससे तुम्हें क्या पता चल जाएगी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चल जाएगी। तो इस माइक्रोस्कोप में से कुछ रेडिएशन भी तो आएंगी, तो उसको बोल दिया हमने एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू, फोटोन डाल दिया हमने। ठीक है, सिंपल सी बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर तुमने फोटोन डाला, जैसे ही फोटोन और इलेक्ट्रॉन में आपस में कोलिजन होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होगा, मोमेंटम यहाँ पर ट्रांसफर होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी जो है यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन में
ट्रांसफर हो, क्योंकि फोटोन जब इसे स्ट्राइक करेगा फोटोन के पास अपना मोमेंटम है, अपनी एनर्जी है, वो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाएगी, जिसके कारण इसकी जो मोमेंटम होगी, पहले जो इसकी मोमेंटम थी पी इनिशियल वो क्या हो जाएगी हमारे चेंज हो जाएगी, वो ज्यादा ही होगी, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ मोशन इसमें ट्रांसफर हो, इसके कारण मोमेंटम तुम्हारी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। बट तुमने क्या फाइंड आउट कर लिया इसकी पोजिशन, पोजिशन कैसे पता चली माइक्रोस्कोप से, तो माइक्रोस्कोप से तुमने एक्स जो इसकी पोजिशन है वो तो तुमने यहाँ पर क्या कर लिया मेजर कर लिया है, तो पोजिशन तो तुमने मेजर कर ली है इसमें डेल्टा एक्स जो अनसर्टेनिटी है दैट इज जीरो, ठीक है। तो पोजिशन जो हमारे क्या है सर्टेन, सर्टेन का मतलब फिक्स है, हमने वो श्योर है उसकी पोजिशन बोल रही है, तो इसकी पोजिशन जो हमारे पास क्या है सर्टेन है, उसमें अनसर्टेनिटी इज जीरो, पोजिशन हमें एक्यूरेटली पता चल रही है, बट उसकी जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए यही प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई होता है सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट में कोलिजन होता है जिससे उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है या उसका मोमेंटम चेंज हो जाता है, जैसे स्ट्राइक करेंगे तो एक ना एक चीज चेंज होगी, तो तुम दोनों में से सिर्फ एक ही चीज को मेजर कर पाओगे। तो ये बताया इसने हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ने, दोनों चीजें एक साथ मेजर नहीं कर सकते, दोनों एंगल्स की प्रोपोर्शनल अगर ये फाइंड आउट कर सकते हो तो ये फाइंड आउट नहीं कर सकते। दिस इज अ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।